हम लोग यहाँ स्टील वाले कुछ ज्यादा परेशान लोग हैं, इंडस्ट्री वाले तो सभी परेशान हैं, मगर कुछ ज्यादा परेशान स्टील वाले हैं। उसका कारण है कि पावर पिछले साल दो एक साल पहले पावर ने हमको किल कर दिया। उसका कारण था 40% पावर मिली, सिर्फ 40%, 60% पावर पूरे साल ही नहीं मिली। तो जो ओवरहेड्स होते हैं हमारे ज्यादा होते हैं, ओवरहेड्स इतने होते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होता है कि ब्याज देते देते आदमी मर लेता है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन में नहीं होगी तो वो ब्याज ही नहीं चुका पाएगा, वो इंडस्ट्री किल हो जाती है। पिछले साल पावर थी हमारे पास, पावर मिली, मगर उसके रेट हमारे YS राजशेखर रेड्डी साहब चले गए, 5 साल का एश्योरेंस दे गए कि भाई हम पावर की टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, 5 साल और नहीं बढ़ाएंगे। अब वो तो जब तक थे उन्होंने नहीं बढ़ाया, पर उनके बाद हमारे साहब किरण कुमार रेड्डी साहब आ गए। इंसेंटिव थी हमको पहले, जितनी पावर आप ज्यादा यूज करेंगे उसमें हमारे को इंसेंटिव मिलती थी, वो इंसेंटिव उन्होंने पहले खत्म कर दी। रेट 3 रुपए का, 3 रुपए 10 पैसे टैरिफ था उसको, अभी हमारे को 6.5 रुपए टैरिफ पड़ रहा है, डबल हो गया है। हमारा कंपटीशन सिर्फ यहां से नहीं है, हमारे नेबरिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ से रायपुर से माल आ जाता है, 2,000 रुपए 2,500 रुपए भाड़ा लगा के भी उनको सस्ता पड़ जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री हम चला के माल नहीं बेच पाएंगे, वो रेट से टैरिफ यदि हमारा 6.5 रुपए पड़ेगा, 7 रुपए पड़ेगा, तो हम माल बना के भी बेच नहीं पाएंगे क्योंकि कंपटीशन के अंदर। हमारे पड़ोसी स्टेट हैं महाराष्ट्र है, यहाँ नाइट टैरिफ जो है 50% है, नाइट में जो इंडस्ट्री चलती है वो आधे रेट में उनको टैरिफ कम कर देते हैं। MD चार्जेस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली, जैसा पावर नहीं मिलती हमारे को, आपकी 2 दिन से हम पावर नहीं थी, अभी हमारे पास कोई भी रीजन होगा, स्ट्राइक थी वो थी, अब ये 2 दिन के अंदर हमारा तो पावर मतलब लॉस हो गया, प्रोडक्शन लॉस हो गया। MD चार्जेस जो होते हैं वो 30 दिन के बेस के ऊपर में होते हैं, 30 डेज मंथली कैलकुलेशन होती है कि आप चाहे 15 मिनट में भी आप एक बार एक्सीड कर दो मगर उसके चार्जेस ले लेते हैं। मगर किसी टाइम में जब हमारे पास अभी RNC मेजर लगा था, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल मेजर था, जो उसके अंदर हमारे को प्रोपोर्शनेटली उन्होंने लगाए थे कि जितनी देर आपको पावर नहीं मिलती है उतना आपको रिबेट मिल जाता है। अभी वो भी वापस ले लिया उन्होंने, दिया दे के फिर एक नया कानून को APCP डीजल ने ट्रांसकोर ने लगा के वो भी वापस उन्होंने ले लिया, पहले दे दिया फिर ले लिया। इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मगर एक चीज गवर्नमेंट को ध्यान रखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री के बगैर रेवेन्यू आएगा कहां से आपको? आप इंडस्ट्री की ग्रोथ करेंगे तो आपको रेवेन्यू सेल टैक्स, सिर्फ सेल टैक्स तो स्टेट के लिए है, आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, सेंट्रल एक्साइज में भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, वो भी बहुत मायने रखता है, हर जगह आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जहां तक ग्रोथ का सवाल है, जब तक आप इंडस्ट्री को ऊपर नहीं लाएंगे, इंडस्ट्री की मदद नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, अभी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की हालत देखिए आप, सब जगह रोड का कोई पता ही नहीं है, गड्ढों में से जाती हैं गाड़ियां, टूट फूट जाती हैं, लोडिंग गाड़ी आती है सवेरे देखो तो 2-4 गाड़ियां वहां खड़ी रहती है, क्यों खड़ी है बोलो तो गड्ढे में उतर गई, रोड रोड है ही नहीं, कुछ रोड है, कुछ कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं कहीं है,